इसमें हमने आपको बादल को गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है नागार्जुन जी के द्वारा। ये हमने आपको बताया था कि इनका जीवन परिचय, और जीवन परिचय के अंतर्गत साहित्यिक परिचय, और उनकी साहित्य परिचय के अंतर्गत रचनाएं, काव्य कृतियाँ, उपन्यास, काव्यगत विशेषताएं और अन्य भाषा शैली, इस विषय में आपको बताया। और इसके बाद हमने कविता का परिचय, कविता के परिचय के पश्चात हमने कविता का सारांश रूप जो है वह भी आपको बताया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस विषय में आपको ये कराया। अब हम आगे इनके सप्रसंग व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न देखते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न। इसके अंतर्गत सबसे पहले काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सप्रसंग व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न। अब थोड़ा इसे हम इस आधार पर लेते हैं कि सबसे पहले हम संकेत देखते हैं, संकेत के बाद में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। वैसे प्रश्न बनकर के इस प्रकार से आते हैं कि सौ प्रसंग व्याख्या कीजिए, काव्यांश है निम्नलिखित काव्यांश या निम्नलिखित गद्यांश, अधोलिखित गद्यांश, अधोलिखित निम्नलिखित, अधोलिखित काव्यांश आदि की से प्रसंग व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न बनकर के आ जाता है। तो हम केवल इसे एक आधार को देखते हैं कि से प्रसंग व्याख्या आता है
लेकिन इसमें आपको इन सब चीज़ों की जानकारी भी होनी चाहिए। यदि ये जानकारी होती है और आप इस प्रकार से लिखते हैं तो इस पर एग्जामिनर पर जो कॉपी जांचने वाले होते हैं उन पर विशेष प्रभाव होता है और इसमें आपका कुछ न कुछ लाभ भी होता है। तो यदि हम प्रसंग सब प्रसंग व्याख्या के बाद भी यदि प्रसंग नहीं लिखते हैं तो उसमें से हमारे नंबर काट लिए जाएंगे, क्योंकि उसमें प्रश्न के अंतर्गत ये कहा हुआ है कि सब प्रसंग व्याख्या करनी है। यदि आप संकेत संदर्भ आदि नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, लेकिन यदि आप लिख देते हैं तो उसमें विशेषता आ जाती है, तो विशेष आपको कुछ न कुछ मार्क्स, यदि आपको 4 मार्क्स मिलने हैं तो उसमें 4.5 मार्क्स भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो उस पर थोड़ा प्रभाव इस प्रकार अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे पहला जो पद है काव्यांश है, उस काव्यांश में अमल धवल गिरी, बादल को हंसों को तिरते देखा है, ये हमारा संकेत हो गया। तो इसमें अब हम देखते हैं पहला कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर, सबसे पहले इस को देखते हैं, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है तुंग हिमालय के कंधों पर, छोटी बड़ी कई झीलें हैं उनके श्यामल नील सलिल में, समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से व्या आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो हमारे सामने ये काव्यांश पंक्तियां हैं, काव्यांश हैं और इनके विषय में हम देखते हैं कि यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वह हमारी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 1 के बादल को घेरते देखा है नामक पाठ से ली गई है, अर्थात ये अंश लिया गया है, इसकी कवि नागार्जुन जी हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें सबसे पहले तो संकेत आपको हमने बता दिया कि संकेत इस प्रकार से लिख देना है, उसके बाद संदर्भ और बाद में प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, कभी कभी क्या होता है
कि दोनों प्रसंग और संदर्भ दोनों इकट्ठे लिख दिए जाते हैं, इकट्ठा लिख देते हैं। तो जैसे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग एक में संकलित प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है से उद्धृत है, अर्थात लिया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि के प्रकृति के प्रति स्वच्छ निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। इस काव्यांश में कवि ने यही स्पष्ट किया है कि वह यायावर और फक्कड़ प्रवृत्ति का रहा है। तिब्बत प्रवास के क्रम में कवि हिमालय पर्वत के अनुपम सौंदर्य को निहारता है, ये इसमें प्रसंग के रूप में है। अब हम इसे देखते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि इस काव्यांश में कवि हिमालय के सौंदर्य के बारे में विशेष रूप से कहता है कि जब मैं घूमने हेतु हिमालय पर्वत के शिखर पर पहुंचा, तब मैंने वहां उज्ज्वल स्वच्छ व निर्मल बादलों को हिमालय की चोटियों पर उमड़ते हुए देखा। उस समय हिमालय पर्वत की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी और सफेद स्वच्छ पर्वत की जो चोटियां हैं उन चोटियों पर बादल घिर रहे थे। वहां पर मैंने देखा कि ओस की छोटी छोटी बूंदें जो साक्षात मोतियों के समान चमक रही थी और मान सरोवर के सुंदर कमल पुष्पों पर ये मोती के समान गिर रही थी। हिमालय पर्वत की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उन पर समतल जो मैदान हैं उन मैदानों में छोटी छोटी कई झीलें विद्यमान हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। बताया कि हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं उन चोटियों पर समतल मैदानों में छोटी बड़ी कई झीलें विद्यमान हैं। आगे कहते हैं कि उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। उन झीलों के सांवले नीले स्वच्छ जल में समतल मैदानों में हंस वर्षा ऋतु की उमस भरी गर्मी से मुक्ति पाने के लिए, ये अर्थात गर्मी के समय उमस भरी जो गर्मी होती है उससे हंस जो हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुक्ति पाने के लिए आनंद पूर्वक तैरने आ जाते हैं। मैंने उन हंसों को तीखे और मीठे स्वाद वाले, तीखा जिसका तीखा और मीठा स्वाद है, ऐसे कमल नाल खोजते, कमल नाल होते हैं वह
मीठे तीखे से स्वाद में होते हैं, यह उन वह जो हंस हैं उन्हें खोजते रहते हैं। उन्हें खोजते हुए आनंद पूर्वक तैरते हुए एवं जल क्रीड़ा करते हुए देखा है। तो इसी प्रकार से हमने हंसों को तैरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इसमें एक व्याख्या के बाद में एक विशेष होता है, विशेष भी इसमें आता है। तो इसमें विशेष व्याख्या के बाद, व्याख्या के बाद विशेष भी बताते हैं। तो विशेष के अंतर हम देखते हैं, इस काव्यांश में हिमालय पर्वत पर उमड़ते घुमड़ते बादल जो हैं, उन बादलों एवं झील में जल क्रीड़ा करते हुए हंसों का चित्रण है। इन पंक्तियों में, इस काव्यांश में, इधर उधर घूमते फिरते उमड़ते घुमड़ते जो बादल हैं और झील में जल क्रीड़ा करते हुए हंस जो हैं, उनका यहाँ पर चित्रण किया गया है। दूसरा बताते हैं, भाषा जो है वो तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली मानी जाती है, खड़ी बोली है। आगे इसी में, इसी ही क्रम में, ये तो हुआ विशेष। अब देखते हैं हम काव्य सौंदर्य के अंतर्गत। काव्य सौंदर्य में हम इसमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत देखते हैं। इसमें भाव सौंदर्य में जो उपर्युक्त काव्यांश है, ये जो काव्यांश हमने अभी बताया है, जिसकी व्याख्या बताई है, उसमें हिमालय की झीलों में कमल नाल खोजते हुए जल क्रीड़ा करते हुए हंसों का सजीव वर्णन किया गया है। आगे कहते हैं कि प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का यहाँ पर वास्तविक सौंदर्य का यथार्थ चित्रण किया गया है। अब हम देखते हैं शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत। शिल्प सौंदर्य में भाषा सरल, स्पष्ट तथा तत्सम शब्दावली से युक्त है, साहित्यिक खड़ी बोली है। शब्दावली से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली मानी जाती है। तुहिन कणों को के कंधों पर और देशों से आ आकर में, ये जो हमने आपको पंक्तियां बताई हैं, तुहिन कणों को, दूसरा के कंधों पर और देशों से आ आकर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कहते हैं छोटे छोटे में, छोटे छोटे जो पंक्ति शब्द हैं, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और छोटे छोटे मोती जैसे, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। आगे कहते हैं संगीतात्मकता यहां पर विद्यमान है। कोमल कंठ पदावली है, माधुर्य गुण है, भाव भाषा और शैली की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। आगे कहते हैं कि हिमालय के कंधों पर झीलें, ये जो पंक्ति हैं, हिमालय के कंधों पर झीलें बताने से हिमालय का मानवीकरण हुआ है। एक मानवीकरण अलंकार होता है, वह हिमालय के कंधों पर झीलें, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानव के कंधे हों। ये कहा ना, कंधों पर, हिमालय के कंधों पर, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानव की उपमा की गई है, मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। तो यहां पर हिमालय का मानवीकरण हुआ है, और जहां मानवीकरण होता है वहां मानवीकरण अलंकार माना जाता है।
आगे कहते हैं अंतिम दो पंक्तियों में स्वर मैत्री अलंकार माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आपको बताया। तो इसमें इस प्रकार से यहाँ पर हम आपको आगे अगली पंक्तियाँ ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणों किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरवर के तीरे सही वालों की खरी दरी पर प्रणय कढ़े छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये तो इसमें हमने आपको आज कवि के परिचय का आपको कराया था। उसमें कवि के परिचय के अंतर्गत साहित्य परिचय, अन्य काव्यगत विशेषताएं, रचनाएं, भाषा शैली आदि और अन्य ये कविता का सार, कविता का परिचय, ये प्रसंग व्याख्या आदि, काव्य सौंदर्य आदि ये सब आपको बताया। तो ये अमल धवल की ये हमने आपको संकेत जो हमने दिया हुआ है, इस संकेत की सप्रसंग व्याख्या, संकेत संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष काव्य सौंदर्य आदि का आधार लेकर के आपको हमने आज इसकी व्याख्या के रूप में बताया। काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्नों के विषय में भी हमने आपको बताया, काव्य सौंदर्य के विषय में जो भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य हैं इन दोनों के विषय में आपको अवगत कराया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज इतना ही, और इसके बाद हम आपको इससे आगे कल बताएंगे, और इस तरह से आज केवल इतना ही।